आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की सीरीज, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज अवर चैप्टर वन इज इंटीजर्स। सो व्हाट विल बी द टॉपिक्स वी विल कवर? सो द टॉपिक विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कैसे करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्लास सिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर रिविजन करते हैं उसका। तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें सबसे सेंटर में होता है जीरो। अगर हम राइट पे मूव करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3। अगर आप लेफ्ट साइड में आते जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते चले जाएंगे। सो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity। ओके, और अगर आप लेफ्ट में आओगे सो दैट विल बी -1, -2, -3, -4, -5 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, एट बोथ द एंड्स देयर विल बी इन्फिनिटी, देयर इज इन्फिनिटी प्लस एंड हियर इज इन्फिनिटी माइनस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अवर नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। अब नंबर लाइन पे हमें शो करना है किसी इंटीजर को, ठीक है। अब सपोज करके चलते हैं कि मान लेते हैं कि 1 कोई नंबर है, 1 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। सो नंबर लाइन पे देखो, ऑब्वियस सी बात है कि दिखाई दे रहा है आपको यहां पे 1 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सर्किल कर देते हैं। तो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। अब कोई कहता है कि आपसे -2 को नंबर लाइन पे शो करो। सो -2 को हम एक पॉइंट बना लेते हैं, दैट इज बी। ओके, सो नंबर लाइन पे हमें इस तरह से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। नंबर लाइन पे नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। नंबर लाइन इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन इट्स लाइन। ओके, नाउ अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। ओके, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन ऑन नंबर लाइन। एडिशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे एडिशन कैसे होगा, ठीक है। देखो नंबर लाइन पे एडिशन, एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन में कुछ ऐड होता जाता है। ओके, सो जब भी हम कुछ ऐड करेंगे सो वी विल मूव टू द राइट साइड ऑफ द नंबर। ओके, जैसे सपोज दैट आपको 5 दिया है, आपसे पूछा कि 5 + 3 कितना है। ओके, सो आपको नंबर लाइन की हेल्प से उसको बताना है। सो सबसे पहले जो इसमें बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बड़ा नंबर है आपका 5। देखो अब नंबर लाइन पे एडिशन के भी दो केस होते हैं। पहला केस है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐड करना है। और दूसरा केस क्या है कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर आपको ऐड करना है। ओके, सो जब किसी नंबर में हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं सो वी विल मूव टू द राइट, विल मूव टू द राइट ऑफ द नंबर। ओके, और अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को इसमें ऐड करते हैं सो वी विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। ओके, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, एक तो 5 + 3 है और एक है 5 + -3, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है कि हमें ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड इन द सेकेंड वन वी आर एडिंग नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंटीजर दिया गया है, जो पहले वाला इंटीजर है उसको नंबर लाइन पे मार्क करना है, ठीक है। सो पहले वाला इंटीजर क्या आपका 5 है, तो 5 को नंबर लाइन पे मार्क करना है। 5 को नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो कहां पे आएंगे हम,
यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, मैंने बताया कि अगर इसमें हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना चाहते हैं तो हमें कहा क्या करना पड़ेगा, हमें राइट साइड में जाना पड़ेगा। राइट साइड में कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 3 स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, सो राइट साइड में 3 स्टेप अवे चले जाते हैं, तो यहां पे हो गया 6, 1 स्टेप हो गया, यहां पे हो गया 7, 2 स्टेप हो गया, और यहां पे हो गया 8, ये 3 स्टेप हो गया। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहां से पहुंचे हैं, 5 5 प्लस 3, यहां पे 3 स्टेप हम गए हैं राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में गए हैं तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये कहां तक पहुंचे हम, 8 तक पहुंचे हैं। ठीक है, सो 5 प्लस 3 विल बी 8, समझ आई बात। अब हम दूसरे केस में क्या करना है, हमें दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, -3 इज ए नेगेटिव इंटीजर। सो नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड करते हैं तो मैंने क्या बताया, विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। सो 5 से हमें लेफ्ट की तरफ चलना है। ठीक है, कितने स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है। सो 5 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यहां पे 1 स्टेप, 4 तक 1 स्टेप हो गया, 3 तक 2 स्टेप हो गया, और 2 तक 3 स्टेप हो गया, तो यहां से हम यहां तक आ गए, तो यहां हो जाएगा -3। ठीक है, लेफ्ट में आते हो तो -स्टेप चलते हैं और राइट में जाते हो तो +स्टेप चलते हैं। ओके, सो कहां पे आ गया, आप आ चुके हो 2 के ऊपर। सो 5 प्लस 3 कितना हुआ, 2 हुआ। ओके, आई होप अंडर, ये आपको सबसे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पे किसी नंबर को कैसे ऐड करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर ऐड करना है पॉजिटिव इंटीजर तो हम चलेंगे राइट साइड में, अगर हमें ऐड करना है कोई नेगेटिव इंटीजर सो विल मूव टू द लेफ्ट। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ओके, अभी दूसरी बात करते हैं, अब हम करते हैं किसी नंबर को सबस्ट्रैक्ट। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, नंबर लाइन हम बने रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि -2 प्लस 3, और एक ले लेते हैं -2 -3। ओके, अभी देखो दो एग्जांपल है यहां पे। अभी -2, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, -2 पकड़ना है। ठीक है, -2 आपने मार्क कर दिया, अब क्या करना है, हमें 3 इंटीजर उसमें ऐड करना है। अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, अगर एक प्लस इंटीजर होता है और दूसरा माइनस इंटीजर होता है। प्लस इंटीजर होता है सो वी विल मूव टू द राइट, नेगेटिव इंटीजर होता है सो वी विल मूव टू द लेफ्ट। अब यहां पर क्योंकि वी हैव प्लस इंटीजर सो वी विल मूव टू द राइट, राइट फ्रॉम व्हाट, राइट फ्रॉम -2। सो -2 से हम 3 स्टेप राइट साइड में जाएंगे, सो 3 स्टेप -2 से राइट साइड में जाओगे तो -2 -1, 1 स्टेप हुआ, -1 to -0, 2 स्टेप हुए, 0 से 1, 3 स्टेप हुए। सो आप जब 3 स्टेप प्लस लोगे तो आप कहां पहुंचोगे, 1 पे पहुंचोगे। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। अब दूसरे सिनेरियो में क्या है, दूसरे सिनेरियो में है -3। -3 मतलब नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मींस यू हैव टू गो टू द लेफ्ट, लेफ्ट फ्रॉम व्हाट, लेफ्ट फ्रॉम 2। सो 2 से -2 से हम 3 स्टेप लेफ्ट लेंगे, सो लेफ्ट लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ये 1 स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, और ये 3 स्टेप हुआ। सो -2 से अगर -5 तक आएंगे हम, कितने स्टेप, -3 स्टेप, तो हम कहां पहुंचेंगे, -5 में पहुंचेंगे। सो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अभी मैं इस पे कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो या तो इस नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हो, ये अपना जो असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट मैं आपको यहां दे रहा हूं। ओके, सो फटाफट कॉपी निकालो अपनी और एग्जांपल लिखो जो आपको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है -3 प्लस 2, आंसर बताना है कितना होगा, नंबर लाइन पे ऐड करना है, ऐड ऑन द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे आपको ऐड करना है, कौन सा ऐड करना है, -3 एंड +2, -3 -2, ये बताना है कितना होगा, 5 प्लस 3, -5 प्लस 3, -5, सॉरी चेंज कर लेते हैं कुछ,
टू माइनस थ्री, ओके। तो ये पांच क्वेश्चन लिख लो, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ओके। अभी हम पढ़ेंगे सबस्ट्रक्शन, कि सबस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे सबस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखो यहां पे प्लस लिखा हुआ है, यहां पे प्लस सिंबल है, तो हमें जाना है राइट साइड में। अगर यहां पे माइनस सिंबल है तो हमें जाना है लेफ्ट साइड में, ओके। लेकिन अगर दो बार माइनस सिंबल हो जाता है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रक्शन, नेगेटिव इंटीजर्स का सबस्ट्रक्शन। सबस्ट्रक्शन भी दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर का सबस्ट्रक्शन होता है और एक नेगेटिव इंटीजर का सबस्ट्रक्शन होता है। तो दोनों केस में बता देता हूं, दोनों केस में क्या करना है। अगर पॉजिटिव इंटीजर सबस्ट्रक्ट हो रहा है तो क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर सबस्ट्रक्ट हो रहा है तो क्या करना है। तो यहां पे भी दो केस, उसी तरह दो केस डिस्कस करेंगे हम। सो केस वन क्या है हमारा, केस वन है, सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, सबस्ट्रक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ओके। अब यहां पे दो केस आते हैं। केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है कि अगर आपका जो इंटीजर है, इफ इंटीजर इज पॉजिटिव, जो इंटीजर आपको सब्सट्रैक्ट करना है वो इंटीजर पॉजिटिव है। केस टू क्या कहता है, केस टू कहता है कि इफ इंटीजर इज नेगेटिव, अगर आपको नेगेटिव इंटीजर यहां से सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 - 2 है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहां पे, ये देखो सब्सट्रैक्शन का सिंबल है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप 2 को, किसमें से, 3 में से, ठीक है। सो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। सो यहां पे क्या करेंगे, मूव टू द लेफ्ट, ओके, लेफ्ट में मूव करना है हमें। अगर यहां पे सिचुएशन क्या हो जाए, अगर ये आ जाए 3 - -2, ओके, तो अभी ये क्या कर रहे हो आप, यहां पे सबस्ट्रक्शन का सिंबल लगा हुआ है, बट इंटीजर कैसा है आपका, इंटीजर है माइनस, सो इंटीजर आपका नेगेटिव है। सो इन दैट कंडीशन आपको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में, ओके, क्योंकि यहां पे नेगेटिव इंटीजर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सो नेगेटिव इंटीजर जब जब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका जाना पड़ेगा राइट साइड में, ठीक है। सो यहां पे क्या करेंगे हम, मूव टू द राइट, बात आई समझ में, राइट में आपको मूव करना है। अभी यहां पे बताओ मुझे, लेफ्ट में मूव करोगे, किससे मूव करोगे, 3 से मूव करोगे, 3 से 2 पॉइंट लेफ्ट में जाना है। सो 3 कहां पे, 3 यहां पे है, इससे 2 पॉइंट लेफ्ट लगाओ, 1 - 2, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कितना है, 1 है, 1 को मार्क कर देंगे, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया, ओके। अभी इसको देखो, इसको मैंने क्या बताया कि आपको राइट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से 2 पॉइंट राइट साइड में, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, 2 पॉइंट इधर आ गए, तो कितना आंसर आया, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5, ओके। सो ये कंसेप्ट है आपका नंबर लाइन से एडिशन निकालना और नंबर लाइन से सब्सट्रैक्शन निकालना, ओके। सो जल्दी से कुछ क्वेश्चन लिखूंगा मैं, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, फटाफट नोट डाउन करो। और मुझे सेंड करने, ये क्लास हमारी वन वे क्लास नहीं होगी कि यहां पर आया मैंने लेक्चर दिया और आपने सुन लिया। इस क्लास का फायदा तभी होगा जब मेरे दिए हुए क्वेश्चंस आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है, मुझे सोल्व करके सेंड करोगे, तो मुझे समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, ओके। सो फटाफट क्वेश्चन लिखो, 3 - 5 कितना होगा बताना है, नंबर लाइन से सब्सट्रैक्शन करना है, -3 - 5, -2 + 3, सॉरी 2 - -3, 5 - -4, -2 - -3, ओके। तो
तो ये पांच क्वेश्चन आपको नोट करवाए, इन्हें फटाफट से करना है। ओके, अब देखो एक तरीका है आपका कि नंबर लाइन से आपने एडिशन निकाल लिया, नंबर लाइन से आपने सबस्ट्रक्शन निकाल लिया। अब एक दूसरा तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है जो आप सीख सकते हो, तो इसको ध्यान लगा के सुनना और आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सो तरीका क्या है, देखो कभी भी आपको दो नंबर दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता नहीं साइन माइनस का आएगा कि प्लस आएगा, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सो मैं इसका बहुत ही सिंपल और साधारण आपको तरीका यहाँ पे बताने वाला हूं। लॉजिक है उसके पीछे, कोई ऐसा आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ठीक है, सो करना क्या है हमें, देखो आपके पास जब भी कोई दो नंबर दिए हो आपको, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, उस चीज को भी भूल जाओ। मान लेते हैं कि कोई दो नंबर आपको दिए हैं, तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, केस वन हो सकता है और एक हो सकता है केस टू। केस वन क्या हो सकता है, केस वन हो सकता है कि दोनों के सिंबल डिफरेंट हो। केस वन मान लो दो इंटीजर आपको ऐड करने हैं, ठीक है, ऐड करने हैं सब्सट्रैक्ट करने हैं, जैसे माइनस टू और प्लस थ्री। ठीक है, अभी केस वन ले रहा हूं मैं, दोनों के सिंबल डिफरेंट है, इसका माइनस सिंबल है और इसका प्लस सिंबल है। अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि आंसर हमारा क्या आएगा। सो केस वन क्या है कि दोनों के सिंबल डिफरेंट है, इसका सिंबल माइनस है और इसके पास सिंबल है प्लस। ओके, सो केस वन है बोथ इंटीजर्स हैव डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट सिंबल उनके दोनों के हैं, एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है, और यहां पे क्या है कि बोथ इंटीजर्स है सेम सिंबल। सेम सिंबल मतलब चाहे दोनों का प्लस हो सकता है और चाहे दोनों का माइनस सिंबल हो सकता है। सो दोनों के अगर डिफरेंट सिंबल है, तो डिफरेंट सिंबल के केस में देखो, अभी अभी हमें देखो दो चीजें हमें डिसाइड करनी है। एक चीज हमें डिसाइड करनी है कि हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो यहां पे दो तरह के ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं, दो तरह के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एक है ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन और एक है ऑपरेशन एडिशन। ओके, तो दो तरह के ऑपरेशन यहां आपको सीखने हैं, लेकिन एक ही स्टेप में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, उसमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट हो, तो डिफरेंट सिंबल में आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन मतलब आपको सब्सट्रैक्शन करना है कि आपको एडिशन करना है, और यहां पे ऑपरेशन क्या करना है अगर दोनों के सिंबल सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि आपको ऑपरेशन करना है, यहां पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन लगाना है आपको अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और यहां पे करना है आपको एडिशन अगर दोनों के सिंबल सेम होते हैं। क्लियर है बात, ओके। तो अभी यहां पे आपने साइन भूल जाओ कि दोनों का साइन क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, बस आपको डिसाइड करना है कि दोनों के सिंबल डिफरेंट है कि दोनों के सिंबल सेम है। अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट है, तो आपको केस वन के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है, अगर दोनों के सिंबल सेम है, तो आपको केस टू के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी यहां पे क्या करना है आपको, दोनों के केस सिंबल डिफरेंट है, तो आपको करना है सब्सट्रैक्शन, जो नंबर बड़ा है और जो नंबर छोटा है, बड़े से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आता है, थ्री से टू माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, वन आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पे जाते हैं, यहां पे हमें क्या करना है, दोनों के सिंबल अगर सेम है, जैसे एक माइनस टू ले लिया और एक माइनस थ्री ले लिया, दोनों के सिंबल सेम है, सेम सिंबल है, तो क्या करना है आपको, आपको करना है एडिशन, मैंने बोला एडिशन करना है, तो टू और थ्री कितने हो गए, फाइव हो गए। ओके, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको यहां पे कौन सा साइन लगाना चाहिए, यहां पे प्लस लगाना चाहिए, यहां पे माइनस लगाना चाहिए। देखो अगर दोनों के सिंबल डिफरेंट है, डिफरेंट सिंबल के केस में कौन सा साइन लगता है, अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साइन लगेगा। ओके, तो साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा यहां पे। तो ग्रेटर नंबर कितना है यहां पे, थ्री है, थ्री का साइन कैसा है यहां पे, प्लस है, तो वन का साइन भी कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, तो आंसर आ गया आपका प्लस वन। ओके, सो आंसर आ गया आपका वन, चाहे प्लस वन लिखो चाहे वन लिखो, बात दोनों की बराबर है। ओके, अभी यहां पे आपको साइन डिसाइड करना है कि यहां पे साइन क्या होगा।
अगर दोनों इंटीजर्स के सेम सिंबल है, सेम सिंबल नहीं, इसको साइन बोलते हैं, सिंबल लिख दिया मैंने, तो दोनों इंटीजर के अगर सेम साइन है तो जो साइन यहां पे होगा वही साइन रहेगा। तो साइन क्या है यहां पे, माइनस साइन है, तो यहां पे भी जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में ही आएगा आंसर। समझ आई बात? तो इसको आप केस वाइज भी इसको सोल्व कर सकते हो, नंबर लाइन की बजाय। अगर नंबर लाइन पे आपको सोल्व नहीं करना है तो आपको ऐसे, आप ऐसे भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि केस वन में आ रहे हैं हम कि केस टू में आ रहे हैं। केस वन क्या है, जब डिफरेंट इंटीजर, डिफरेंट साइन हो, बोथ इंटीजर है, डिफरेंट साइन होंगे तो आपको करना है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपको साइन पुट अप करना है। साइन किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन आ जाएगा। ओके, दोनों के साइन अगर सेम है तो सेम साइन में क्या करना है, आपको एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद आपने नंबर लिख दिया, अब आपको डिसाइड करना है कि साइन कौन सा लगेगा। तो साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर सेम साइन है अगर, तो वही साइन यहाँ पे हम पुट कर देंगे। चाहे वो प्लस हो तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम माइनस थ्री और प्लस फाइव, एक क्वेश्चन लेते हैं हम माइनस थ्री और माइनस टू। ओके, माइनस थ्री माइनस टू ले चुके हैं, एक बार माइनस फोर ले लेते हैं। तो अभी यहां पे क्या है, पहले आपको डिसाइड करना है कि सिंबल साइन कैसे हैं। साइन डिफरेंट है, ओके, तो साइन डिफरेंट है तो क्या करना है आपको, आपको करना है सबस्ट्रक्शन। सबस्ट्रक्ट कर दो, सबस्ट्रक्ट किया आपने, फाइव में से थ्री सबस्ट्रक्ट करने में कितना बचेगा, टू बचेगा। अब बात करते हैं साइन की, तो साइन कौन सा पुटअप होगा, साइन वो होगा जो ग्रेटर नंबर का होगा। तो जो ग्रेटर नंबर का साइन है वो आप लगा दो, ग्रेटर नंबर कौन सा है, प्लस, प्लस साइन है इसका ग्रेटर नंबर का, तो यहां पे हम रखेंगे आंसर जो आएगा हमारा टू आ जाएगा। प्लस लिखो या ना लिखो, दैट डजंट मैटर। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे सेम साइन है, सेम साइन का मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आप सेम साइन होगा तो क्या करोगे, एडिशन करोगे। अब फोर और थ्री कितने ऐड हो गए, कितने आते हैं, सेवन आते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका साइन क्या होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, जो साइन ऑलरेडी दिया गया है वही साइन होगा, तो माइनस का सेवन आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, वेरी वेरी सिंपल है। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि दोनों के सेम साइन है कि नहीं है, तो सेम साइन नहीं है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, सेम साइन है तो हम एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद साइन पुट अप करेंगे। डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर नंबर का साइन पुट अप करेंगे, अगर सेम साइन है तो हम जो साइन यहां पे दिया होगा वही साइन हम यहां पे लिख देंगे। ओके, फटाफट से पांच क्वेश्चन लिखो और उनको इसी मेथड से सोल्व करना है जो आपको मैंने नंबर लाइन वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं, फाइव क्वेश्चन एडिशन वाले दे रखे हैं, फाइव क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन वाले करने हैं, वो टेन क्वेश्चन आपको इस मेथड से भी करने हैं। ओके, That will be your exercise. अभी exercise 1.1, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं या आरडी शर्मा फॉलो कर रहे हैं या आरएस अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 करनी है, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, डे टू में हम इससे आगे अपने चैप्टर को बढ़ाएंगे, तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप इस चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में आपको वीडियो मिल जाएगा, और डेली मैं वीडियो डाउन अपलोड कर रहा हूं। ये डे वन का वीडियो है, कल आपको डे टू का वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।